अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की? मैं बात उम्मीद है सब बढ़िया होगा, खैरियत से होगा, मज़ा में होगा। तो अगर तो भाई तुम मेवाती हो या मेवात से मोहब्बत राखो हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो एंड तक देखियो। सही है, तो अभी शुरू कर रहा हूँ आज को ब्लॉग कि आज मैं कहन कहन कैसे कैसे कहाँ कहाँ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भाइयों, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मैं बात, उम्मीद है सब खैरियत से होगा। यार वीडियो जाने का पुट्ठी आ रही है, हालांकि स्टेयरिंग इतलू हो और उतलू चलो को जाने कैमरा उल्टो हो, आज समझ ना आ रही। तो पहली बात ये कि कैमरा हिल रहा होगी, माजरत, क्योंकि मैंने कैमरा हाथ में पकड़ रहा हूँ। दूसरी बात ये कि आज मैं एक जगह फौतगी पर आया हो, एमरजेंसी बुनियादन पर। पहले इनको तारुफ करो, बाकी अपने ये अमोली अकील साहब, ये मेरा कज़न है, पीछे इनको बेटा हुआ है गाजी। लेकिन ये भाई गाजी जोन से है ना, ये अरतगल आने से पहले को तमगे होगी थी अरतगल के चक्कर में। ये अरतगल पे मैं कई मौका पे बात करूँगा, कहा भला है ये वो से पहले को नाम गाजी धर्रा को तमगे होगी थी अरतगल नाम धरो गाजी देख के, ऐसी कोई बात नहीं। और यार टाइम हम जिला कसूर, गाँव कौन सा? सैदपुर। सैदपुर हिंद मेवाती कितना परसेंट है? आस पास सारा मेवाती बैठा। भाई जो मौलवी बैठा है ना, ये बहुत बड़ा खतीब है, मशहूर है इलाका को। ये वाकई मेहरबानी है कि भाई मेरे साथ आया, नहीं तो छोटा मोटा बंदा ने तो टाइम ना दे यार, बड़ा मशहूर खतीब है। ये की डिटेल का दे फिर और बता। अच्छा सैदपुर में कितना? सैदपुर में कम है। अच्छा, गांव के अंदर कम है, बाहर ज्यादा है। हाँ वैसे तो आपने कसूर सुनी राखो। हाँ, बहुत ज्यादा मतलब कसूर को जो संबंध मेवात को समझ तो बड़ा इलाको कसूर और जिला कसूर, गांव को एक हिस्सों में वाती इनको। अच्छा, एक हिस्सों में वाती है। तो यार ये गांव में तो हमें लोग कोई ना मिलो मेहू बाबू, आप पता जहां मैं जाऊँ ये गांव ही है, ये गांव में ही है ये। अच्छा, तो हमने कहा यार मैं तो आप पता ना जहां जाऊँ मेवाती बाबा ने ढूंढूँ। तो अभी हम लोग पता चलो है कि एक मेवाती बाबू ही रिहाइश पजीर है सैदपुर की, सैदपुर की बस्ती में। तो देख रहा और फिर बाबा को इंटरव्यू कर रहा, बाकी जो इंटरव्यू हुए वो अलग से डलेगो, ये समझो मेरा व्लॉग है। आज इन कहाँ कहाँ हुए वो कहाँ कहाँ सीन होएगी सिर्फ भाई दिखा। भाई फुल टाइम कच्चो रास्ता, सही प्योर प्योर देहात, ना प्योर देहात। भाई अगर तुम ऐसा रास्ता में जा रहा हो ना जैसा मैं जा रहा हूँ तो खोना मत लिया, नहीं तो सारी नीचे से उठ जाएगी। ये करोला की है, जैसा मर्जी जहां मर्जी जितलो मर्जी ले जाओ, कोई परवाह ना है। या सुजुकी की मेहरान वालों को कोई परवाह ना है, या सुजुकी को बोला। पीछे तो मतलब मैं कहाँ दिखाऊं, माटी माटी पीछे मैं शीशा में देख लिया, पीछे फुल माटी हुई पड़ी है। साथ नहर है और ये बगैर कच्ची के बाड़क यार तो तुम देख लो गौर से। तुम क्या होगा यार यूसुफ भाई ने यहाँ की कल बाड़क की वीडियो डाल दी बगैर कपड़ा आन के, मेरे को पान को मोड़ रहा हो यार। मुझे जब आगे दलेरी आई ना यार, तू नहर में पड़ो रहे निकलो बाहर और फिर वहां कुछ करो है, यह वजह से मैंने दिखाया था मन लोग मैंने की दलेरी चेक करो तुम बालक की। और देखो आगे भागनी, देखो छलांग लगा, देखो छलांग मारे को हट ना रहे भाई, ए उग गयो। तो भाई डेरा पहुंच चुका है, तो मन हमारे पीछे छल्ली छल्ली दिख रही है। तो भाई पहले हमने करना हो इंटरव्यू फोन, लेकिन अब मैंने कहा पूरा प्रॉपर माहौल होना चाहिए। तो दादा ये, हाँ जी हमारा बुजुर्ग हिंदुस्तान से है, बाकी तफसील तो मतलब मिलेगी मेरी अलग से जो वीडियो आएगा वो आके ऊपर इनका इंटरव्यू पे, कहाँ से हुआ, कौन है, कौन से गोते हैं और कितनी उम्र ही देख रहा हूँ। ओरिजिनल में वो माहौल है ही माशाल्लाह। चलो फिर दादो आ चुको है, अभी दादा से इंशाल्लाह इंटरव्यू कर रहा हूँ। यार यार कहवा एक तीर में दो शिकार, माशाल्लाह यार नहीं हम एक बुजुर्ग मिलो हो, उनके साथ साथ हम एक और बुजुर्ग ये कहवा कि हम बकरी चरा कर आ तो ये भी मिल गया। तो आज को दिन हमारो माशाल्लाह, मतलब मैं तो वैसे एक जनाजा पढ़न के मारे आया हूँ, तो चलो ई मेरो पैकेज अल्लाह ने मुल लगवा दियो कि बुजुर्ग इनकी मुलाकात होगी, तो इनको भी इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं भी अलग से वीडियो में डालूंगा। इंटरव्यू दो हो चुका है, पसीनों देख रहा हूँ, कुर्बानी करिए
कि जो वीडियो बनाना है इतना शौक होना रहे तुम तो यार पॉज करके स्किप करके आगे कर दो। एक वीडियो बनाने के बारे बड़ो पसीनो बहाना पड़े, पंखा के आगे ना बैठो बल्कि खेत में आगे बैठा हूँ ताकि आवाज़ साफ आवे। हाँ आम के नीचे आम ना लग रहा वैसे, बल्कि बिग बुग्गा होगा आम तो जो लगा होगा। अच्छा दिख ना रहा। तो भाई अब हो रही वापसी, तुम बाहर को भी इंजॉय करो थोड़ा सा, अब रास्ता बदलो उतलो यार, घट्टो मिट्टी पड़ो परला ट्रैक पे। यार तुम गाड़ी का सीन छोड़ो और जो परिंदान की चहचहाट है ना वह चेक करा यार। असर मगरब के दरमियान को वक़्त सूरज ग्रूब हो रो, परिंदा चहचहा रहा है और तुम्हारा भाई यार हो देहात में। एक और बाबू खेरनो यार गांव में, और बल्कि मैं तो तम पहली को सेशन लगाऊंगा सुनी वहाँ पहली बहुत आवा मेवाती की, अगर वो मिल गो बड़ो फनी होएगा फिर तमन समय मेवाती पहली भजवा करूँगा, कंपटीशन होएगा भाई कंपटीशन। तो माजरत आज का जो व्लॉग है ना यहाँ में मैंने गिम्बल ना निकालो क्या वजह से मोबाइल खेल रहा, गिम्बल को टाइम ही ना हो भाई, मुख्तसर टाइम में आया आज तो मैं कहीं जनाजा में हो, मैंने आप पहले बताइए तो इन फिर बाबा उनके चक्कर में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनका घर की चा और इनका घर की देसी मुर्गी, तुम आयो और तुमने ना खाई आए खाई। ये बस इनकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला इन्हें जिंदा खैर दी और मजीद इज्जत से नवाजे। और दूसरी चीज, तुम सैनपुर आयो और तुमने हदीर ना ली, तुम आयो खाए ना। तीन चीजें बिल्कुल जबरदस्त बात है। कौन कौन बैठो यार तुम्हें दिखाना था, अलबत्ता कहाँ कहाँ धरो दस्तखान पे अगे हल्की सी झलक दिखा सको। देसी मुर्गी भाई, देसी मुर्गी ये है भाई, देसी मुर्गी देख रहा हूँ, ये भी पहली झलक है इंशाल्लाह भी आएगी। ये बॉस भी अपने साथ ही बैठो, रोटी खा ली बस अब निकल रहा है, टाइम हो गया 10:30 को। हमारे साथ है टोकर साहब पर ये कैमरा में रखा था जो कि मतलब मैं ना नस्लन असलन लेकिन मेवाती पूरी बोला यार। डोगर साहब को दो चार जुमला तो हिंदुस्तानी भाई के हमारे बोल दे मेवाती में। ये फैमिली मेंबर भी तकरीबन फैमिली मेंबर ही हैं ये। डोगर साहब निवासी में कुछ दो चार जुमला बोल देता कि पता चल जाए मैं झूठ तो ना बोल रहा। सलाम तो करते हो इनके शो वो ये आवाज इन्हें सलूट मारो अपना समझ जाओ। तुम सैदपुर आओ और खिदमत ना हो आंखन के कहा रो भाई बिल्ला ना आंख लग रही है। लो जी 12:30 हो चुका है, सामान समान उतार लो, तोड़ा में भी दुहाना ऊपर भी दुहाना, मैंने कही ना सैदपुर जाओ और हदियो ना हावे, फिर तुम गया कहीं लुआ। हाँ तो भाई घर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह सर के लिए, गाड़ी के मांडो भी पूरा लगाए हो। अभी मैंने कहा यार 12:30 हो रहा है इधर रात का, तो मैंने कहा चलो अभी फौरी तो नींद ना से, तो यह वीडियो है मतलब यह व्लॉग है ऐड कर ले रहा, शुरू कर दियो एडिट कर ले रहा हूँ, सॉरी मैं कह रहा हूँ ऐड कर ले रहा हूँ एडिट कर ले रहा हूँ।